इस देग की हुकूमत थोड़ी देर में यहाँ शुरू हो जाएगी। खजाने की देग में से अब ये तीसरी चीज निकलने शुरू हुई, मूंग की बोटियां सर, खास बोटियां अलग करी जाएंगी। पुरेश नगर और पुरेश नगर में मोहम्मद दीन होटल, 50 साल पुरानी है नारी, अब तक कैमरा पर नहीं थी। हम कर दिया था इसका, समझ लीजिए कि टॉप वर्जन। अब अगर आप मजीद खुद को जायकों के साथ टॉर्चर करना चाहते हैं तो इसमें भेजा मौजूद है। बात है 30 दिसंबर की। 30 दिसंबर को मेरे पास एक हुक्मनामा आया, मैं तो इन्विटेशन को हुक्मनामा ही कहता हूँ, एक हुक्मनामा आया कुरैश नगर से। चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इस तरह से वीडियो प्लान हो जाते हैं। उधर उनका हुक्मनामा आया, इधर हमारे चैनल पे एक साल से कोई नर नहारी नहीं आई थी, दोनों चीज़ें मिल गईं और हम आज कुरैश नगर आ गए। कसाबपुरा भी कहा जाता है उर्फ आम में, लेकिन इसका नाम है कुरैश नगर। और कुरैश नगर में हाजी मोहम्मद दीन होटल पर मैं इस टाइम आया हुआ हूँ और मेरे सामने हाजी साहब खड़े हुए हैं, मोहम्मद दीन साहब के बेटे हैं। हाजी साहब से बात करते हैं। 30 दिसंबर को आपका मैसेज मेरे पास पहुंचा था, पर आते आते थोड़ा टाइम लग गया, इसकी माजरत, कितना पुराना है ये? तकरीबन 50 साल हो गए वाली साहब के टाइम से है। मोहम्मद दीन वाली साहब हमारे मरूम और आकिल मेरा नाम है। कितनी देर में शुरू हो रही है ना? इंशाल्लाह बस कुछ देर गुजर रहा है। बात यह है कि अभी ये जो इस देग की हुकूमत थोड़ी देर में यहाँ शुरू हो जाएगी। अभी ये देग फिलहाल अपना मुंह बंद करे बैठी है खामोशी के साथ, इसका मुंह खोलने के लिए कौन जाएगा साहब? याद आने वाले हैं अभी, आने वाले हैं अभी। चलिए ठीक है, इनका मुंह खुलने तक हम इंतजार करेंगे। तो क्या जायके नजर आते हैं, क्या जायके उड़ते हुए महसूस होते हैं और क्या हम सूंघ पाते हैं? ये मेरे पीछे देग है, मोहम्मद दीन रेस्टोरेंट पर हूँ, कसाबपुरा कुरैश नगर, दिल्ली के कुरैश नगर में हूँ। यहाँ गुजर थोड़ा हमारा कम होता है तो इसलिए 50 साल पुरानी ये नारी अब तक कैमरा पर नहीं थी हमारे, आज आ जाएगी। फिलहाल इंतज़ार ये है कि जो दोपहर से दम हो रही देग थी उसका ढक्कन खोला जाए, उन खुशबुओं को आज़ाद कर दिया जाए जो दोपहर से इसके अंदर पैदा हो चुकी होंगी, उन जायकों को प्लेट में निकाल कर चखा जाए। उससे पहले इस देग की कुछ ख़ास खिदमत की जाती है, उस खिदमत के लिए जो खिदमतगार है उनका इंतज़ार है, वो आने वाले हैं। इस देग का इजरा होगा, उसके बाद लेयर्स बाय लेयर्स उसको हम देखेंगे और आप तक इस कैमरे के जरिए से पहुंचाएंगे। तो फिर देख के खुलने में, इस नहारी के चखने में साथ रहिएगा। ये गया इसमें पहला चम्मच। इसके अंदर से मटन ब्रेन्स को निकाला जा रहा है, जो बकरे के भेजे होते हैं वो इसके साथ पकाए जाते हैं और उसके बाद जब वो नहारी में से निकलते हैं तो फिर अलग से उसको सर्व करके प्लेट्स में दिया जाता है। इसके चार्जेस होते हैं जो मांगता है के लिए ये अवेलेबल होते हैं। ये स्पेशली मटन के होते हैं, नहारी जो है वो बफ की है, ये यहाँ पर बोन मैरोज अलग करी जाती है। ये इस वक्त वो एक्सरसाइज है जो तकरीबन हर नहारी के होटल पर नहारी खुलने के बाद करी जाती है, भेजे अलग, नलियां अलग, रोगन अलग, उसके बाद बचती है नहारी और उसको निकाल कर टॉप अप करते हैं इन सब चीज़ों का। अभी सब कुछ हम देखेंगे, बहुत दिन के बाद सी नहारी पर मौजूद हैं कैमरा के साथ। भेजे पर पत्ते बांध रखे हैं ना, तो इसकी बांधने की वजह ये है जहाँ से लिखी जो होता है वो बाहर ना आए, वो इसमें अपने सेफ रहे, अपने पैक रहे हैं। जिस पत्ते बांधते हैं ये पत्ते भी बांध देते हैं, इसके बाद अभी पैक हो गया। ये देखिए आप, ये पूरा पैक हो रहा है तो इसलिए बांध दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ बांधना जरूरी है, बांधना जरूरी है, कुछ इसमें बह जाएगा, बह जाएगा, इसलिए निकल जाएगा, ये हमारे हाथ में खाया तो जाएगी। सही 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 सही। इन पत्तों की जगह पर कागज बांध सकते हैं, बांधते हैं लोग, या उसमें केमिकल्स वगैरह होता है वो केमिकल इसमें आ जाएगा, तो फिर नहारी केमिकल वाली हो जाएगी। ये देसी आइटम है, जबरदस्त और लगा हुआ कुदरती आइटम सब कुछ है। ठीक ठीक ठीक, साफ चीज है। पत्ते देखिए अलग से आप, ये बकरे के भेजे हैं, बहुत उमदा जायका इसमें होता है माशाल्लाह। नहारी मिलाकर सर्व किया जाता है। इस खजाने की देग में से अब ये तीसरी चीज़ निकलने शुरू हुई, यानी पहले इसने सारा दिन पकाने वाले की मेहनत को अपने अंदर समेटा,
उसके बाद अब जब ये खुलती है तो पहले भेजे निकलते हैं, फिर नलियाँ निकलती हैं, आखिर में ये रोगन निकलता है। इस रोगन में बड़ी जान। अच्छा जी जनाब, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी बड़ी ख़ास है जो नहारी की देख में से निकलती हैं। ख़ास बोटियाँ अलग करी जाएंगी, यानी जैसे बोंग की बोटी, जैसे नरोटे की बोटी, और ये सब चीज़ें अलग अलग रख कर अलग अलग सर्व की जाएंगी। ये आ गई, अलग अलग सर्व की जाएंगी। ये बड़ी बड़े अलग अलग रंग है नहारी के। क्या बात है, खजाने निकलने शुरू हो गए। ये बड़ा महारत तलब काम है। मैं इस वक्त इसी समझ लीजिए कि चबूतरे पे चढ़कर बैठ गया हूँ, जहाँ ये देख फिक्स करके रखी होती है। ये देख इस कदर भारी होती है कि इसको फिक्स करके रख देते हैं। सीमेंटेड होता है ये पूरा प्लेटफॉर्म। इसके बाद जब इसके अंदर चम्मच चलाए जाते हैं, और इसके अंदर इतना वजन होता है कि अगर इसको इस तरह से ग्रिप करके ना रखा जाए तो ये पक ही नहीं सकती। खुशबू आने लगी, ज़बरदस्त वाली रोटी। तो जी रोटी तो बच्चे को। तो जिस तरह से आप वाकिफ़ ही हैं कि बिरयानी और नहारी जो तो बर्तन होता है, ना सबसे नीचे की अच्छी, ना सबसे ऊपर की अच्छी, ये मिडिल पोर्शन की अच्छी होती है। हम एक घंटा इस पर गुजरने के बाद, उसके बाद इसके अंदर से अपने लिए नहारी निकलवाएंगे, और फिर उसको चक्कर देखेंगे कि हाजी साहब की नहारी हमसे क्या कहेंगे। नहारी के सरगम बड़ी देर में मिलते हैं। अगर आपने कभी कोई लाइव कव्वाली सुनी हो तो आपने ये देखा होगा कि जो कव्वाल होते हैं वो अपने तबला, सारंगी और हारमोनियम को जो साज बंदी करते हैं उसमें बड़ा टाइम लगता है। फिर बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे हम नक्शा नज़र आता है कि इतनी चीज़ें इनको सेट करनी होती हैं एक नहारी को डिस्पेंस करने के लिए। ये आए पाए, बड़े भारी हैं साहब ये पाए। पाए भी इनके बहुत मशहूर हैं। सर्दियों का वक्त है, पाए का सीजन भी है। चम्मच और देग के टकराने की आवाज जब आती है तो आसपास के कई घरों तक ये पता लग जाता है कि नहारी की देग आज शाम खुल चुकी है। सिग्नल होता है कि अब आ जाइए, नहारी तैयार है। कुरैश नगर में ये रेस्टोरेंट है, छोटा सा है, 50 साल से नहारी सर्व कर रहे हैं। अच्छा, ये बोटी निकालने के लिए अलग एक बादिया रखा जाता है इसी तरीके का। गोश्त के पीसेस निकालते हैं, इसमें रख के तोड़ते हैं। ये बड़े फैले हुए मुंह का एक बर्तन होता है, इसको बादिया भी कहते हैं, इसको लगन भी कहते हैं। छोटा सा लगन है के अंदर रख के आराम से इसको डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंस करना इसका एक खास आर्ट है। टॉप अप किया रोवन से और ये कहानी है। ये आया रोहन, इसकी ब्यूटी कहिए, जायका कहिए, और ऊपर से आएगी इसमें हरी मिर्च और अदरक। ये वाह, बारीक कटी हुई अदरक की जूलियंस। यूं ये हुई प्लेट कंप्लीट। वाह बहुत खूब। अब इसको देख के कौन रुक सकता है यार। चांद वाली है, स्टार वाली है, और कुछ नान है। हाँ, प्लस माइनस अलग अलग शेप की वजह क्या है? बस ये ख्याल आया था कि ये काम किया जाए, और कस्टमर को दिखाई हमने, ट्राई कराई, सबको बहुत पसंद आई। वैसे मेरे ख्याल में वो बेहतर सिख जाती होगी अंदर। बेहतर सिख भी जाती है, और वैसे तिल, कलौंजी वगैरह, बटर लगने के बाद, धनिया वगैरह लगने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है और जायका आ जाता है उसमें। बात यही है कि बारहा इस बात को कहता हूँ कि चीज़ पहले आँख को भाती है, उसके बाद जबान उसको चखती है। जब खूबसूरत चीज़ होती है तो उसका आधा जायका आप ले लेते हैं उसको देख कर। आज वो रोटियाँ भी इनकी देखेंगे, बड़ी अलग अलग शेप की रोटियाँ होती हैं जो मैंने आज से पहले कभी कहीं और नहीं देखी। अब ये क्या बनेगा? चांद। क्या बात है, बनाइए साहब। वाह जी वाह, क्या बात है। ये बन गया चांद, और ये गया सिकने। बड़ी शेप की रोटियां बनती हैं इनके। थोड़ी सी क्रिएटिविटी अगर डाल दी जाए तो चीज़ कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ये क्या बनाएंगे? चांद बनाइए। ये आया चांद, वाह भाई वाह। ऊपर का हिस्सा वापस गया, ये चांद बन गया।
कम से कम 8-9 तारीख का चांद बनाए। देखिए ये हल्का सा इन्होंने ओवल शेप कर दिया है, थोड़ा सा शेप चेंज करते ही मुझे लगता है कि पूरी नफ्सियात ही बदल जाती है चीज़ों की। ये क्या बनेगा साहब? तारा बनेगा। मुख्तलिफ शेप की रोटियां यहाँ आपको मिलेंगी। अच्छा इसकी कीमत अलग होती है जी? 10 रुपए बस। ये आया स्टार। तो चांद, सितारा, सूरज, गैलेक्सी की हर शेप की रोटी आपको यहाँ मिल जाएगी। हमारे मसाले वाले सब के टाइम से हैं, सर्दी के अलग होते हैं, बरसात के अलग होते हैं, हमारे गर्मी के अलग, और रमजान शरीफ के अलग होते हैं जी। बिल्कुल अलग यूँ होते हैं, रोजे से होते हैं सब लोग, और इफ्तार से लेकर सुबह तक नहारी मिलती है। मौसम की मुनासिबत से मसाले अलग हो जाते हैं। आपने किससे सीखा है बनाना? वाले साहब को समझ लीजिए आप, ये जो रेसिपी है 50 साल से चली आ रही है तकरीबन, और अल्लाह का करम है वही जायका क्वालिटी आज भी वही है। फ्रेश नगर की छोटी सी लोकेलिटी, छोटा सा महल्ला, वो पुराना महल्लेदारी का कुछ निज़ाम मुझे यहाँ नजर आ रहा है, बड़े छोटे का अदब, थोड़ा बहुत यहाँ उसकी झलक अभी बाकी है। मैंने देखा कि हाजी जी जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो किसी भी जाते हुए शख्स को बुलाते हैं, इशारा करके वो आता है, उसको जो काम कहते हैं वो करकर ला देता है। ये महल्लेदारी का निज़ाम अभी यहाँ उसकी झलक बाकी है। ये बड़ा अच्छा निज़ाम है, पुरानी दिल्ली के मोहल्लों में आमतौर पर देखा जा सकता था, अब ये नदारत है, कहीं कहीं बाकी है। चंदहारी की देख कर इंतज़ार ये हो रहा है, उसका लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाए, उसके बाद उसको निकलवाएँगे, ज़बान से पूछेंगे जायका कैसा है। दो घंटे हो गए हैं इस देग में से नारी निकलते हुए, अब इतनी रच गई है, कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे लिए नारी, भाई रियाज भाई नारी नारी निकलवाते हैं। बड़ी साफ सुथरी सी बोटी, और ये जो टेक्सचर है ना इस वक्त की नारी का, बस इसी की सारी कीमत है, बोलना मुश्किल हो रहा है। वाह भाई, अच्छा जी, बड़ी सी अगोरी में ये हमारे लिए नारी निकाली जा चुकी है। साफ सुथरी सी बोटी थी, यानी बिल्कुल ब्लेंड हुई भी नारी की ग्रेवी, साफ सुथरी बोटी, खूबसूरत कंगूरेदार ये तांबे की अगोरी, ऊपर से देसी घी में प्याज लाल करके ये बघार, अब बस इस पे हरी मिर्च आनी रह गई है। अच्छा जी, ये बड़ी खतरनाक चीज आई है, अब है सिगरेट। हाँ जी हाँ जी, ये सबसे सीक्रेट है। वाह जी वाह, ये आया इसके अंदर खास मसाला, अच्छी तरह डाल दीजिए और डाल दीजिए भाई। वाह, 24 कैरेट हो गई अभी ये नारी। चले साहब, ये बड़ी देर के बड़े इंतज़ार के बाद हाजी जी साथ बैठे हैं और ये नहारी आ गई है। नहारी बड़े खूबसूरत से एक अगोरी में साफ़ सुथरी सी बोटियाँ, देसी घी के साथ डालते हैं प्याज, प्याज और घी का बघार है। ये नली आ गई और यहाँ आ गया, ये दो भेजे हमारे लिए निकाले थे, मेन जो फोकस है वो ये नहारी पर है। नहारी हमने देसी घी से बघरवा ली है, ये रोटी भी आ गई, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सब आपके लिए निकाल, क्या बात है, ये नहारी और लज्जतदार हो जाएगी अब इंशाल्लाह। खूबसूरत नहारी है यार, ख़ास तौर से गोश्त के माहिरीन रहते हैं, मोहल्ला ही इन लोगों का है, और अगर यहाँ गोश्त अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर दिल्ली में कहीं नहीं मिल सकता। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो शुरू करते हैं, आइए बिस्मिल्लाह। ज़्यादा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ज़्यादा बड़ा हो गया जज्बात में ही नहीं वाला। एक निवाले में आप इमेजिन कीजिए कितने जायके महसूस कर सकते हैं, जितने आप इमेजिन करें उसका डबल मान लीजिए कि मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत आई कमाल है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 3-4 साल पहले आपकी नहारी आके खाई थी जी, जब मैं YouTube से दूर था। अब इस नहारी के अंदर कमाल ये है कि ये अपने अंदर कंप्लीट है। अब अगर आप मज़ीद ख़ुद को और जायकों के साथ टॉर्चर करना चाहते हैं तो इसमें भेजा मौजूद है, नली मौजूद है। एक निवाला इसकी इसी अंदाज से और उसके बाद आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। आप तो लीजिए, जब सब कुछ हो गया आखिर में जेब से एक पुड़िया निकली के अंदर 2 बॉटल्स थी, उसमें से किसी एक बॉटल का ढक्कन इन्होंने खोला और उसमें मसाला डाला है। तो अब अगला निवाला मैं सोचता हूँ कि मज़ीद ख़ुद को कुछ और इसकी गहराइयों में उतारा जाए और इस भेजे को आजमाया जाए। निकालने के बाद
थोड़ा सा मैश कर दिया था, जो इसका समझ लीजिए कि मज़ीद एक टॉप वर्जन भी लेते रहिए, मज़ा नहीं आएगा फिर। एक और मंगाने का आप, ये रोटी आपको बहुत ज़रूरी है, जब आप नहारी से रोटी का सिलेक्शन करें तो वो सही होना चाहिए। मतलब ये कि रोटी हल्की नहारी है, बड़ी तर नहारी है, बड़ी ब्लेंड नहारी है, और समझ लीजिए कि बड़ी अपने अंदर मुकम्मल नहारी है। मैंने शुरू में एक बात कही थी, आज बहुत दिन के बाद, तकरीबन एक साल के बाद हमारे चैनल पर नहारी आ रही है, और नर नहारी आ रही है, यानी मेल नहारी है। भेजे के साथ अब बस इससे आगे बयान करना मुश्किल है, मज़ीद आपको देखना है, खाकर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेंसर्स ज़बान में ऐसे कुदरत ने लगाए हैं जो महसूस कर सकते हैं बता नहीं सकते। वो सेंसर हरेक को मुहैया हैं। यहाँ आइए और इस नहारी को खुद अपनी ज़बान पर रख कर इसका एक निवाला बताइए, वो देखिए ये कैसी है। ये बहुत पुरानी नहारी है, हर निवाला कीमती। अब अगर नहारी का नशा करना हो तो नली मौजूद है हजरत, एक एक निवाला नली के साथ भी। जी सब नली आपके लिए। क्या बात है, अच्छा ये नली साथ की पक्की हुई, अलग से नहीं लेते ना। अलग से ये बड़ा अच्छा लगा तो अपनी चीज़ एकदम अच्छा जी। तो अब ये निवाला जो है, ये जायके तो यहाँ ख़त्म, अब शुरुआत है नशों की। भेजा ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, और इसका हाल क्या होगा और इसके खाने वाले का हाल क्या होगा ये खाने वाला ही बता सकता है। क्या बात है यार, इसने वाले की ये ज़बरदस्त है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फाज कम पड़े, आज अल्फाज गायब हैं। ये ज़बरदस्त नहारी है, और चैनल पर दिन के बाद कोई नहारी आई है, मैं इंतज़ार में था कि नहारी अगर कोई आए तो अब कोई तोप नहारी आए। जी मैं बड़ी नाम, इस नहारी का कैमरे पे एक निवाला और होगा, उसके बाद कैमरा होगा बंद हमेशा की तरह, नहारी को जिया जाएगा। अभी तक खाया जा रहा था, कैमरा बंद करके नहारी को जिएंगे, ये आखिरी निवाला कैमरा पे। वही वाह, सब खेल नियतों का चलता है। जी लीजिए आप, देखिए ये बोटी देखिए आप। जी मैंने वही ली है। जी जी ज़बरदस्त है, इसमें नली भी है, भेजा भी है, नहारी भी है, देसी घी भी है, हाजी साहब की मोहब्बत और तजर्बा भी है। ये कमाल है। हाजी जी की एनर्जी इस नहारी के अंदर शामिल रहती है, ये बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं, बड़े फुर्तीले हैं, इनकी जिसामत पे मत जाइएगा, ये अपने जिस्म और अपनी उम्र के खिलाफ जाके काम करते हैं। नहारी बहुत अच्छी है आपकी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ज़बरदस्त नहारी है, और साथ में जो मोहब्बत है वो तो अनमोल है। बहुत शुक्रिया। तो इस फ्रेश नगर से, इस कसाबपुरे से, खूबसूरत छोटे से मोहल्ले से, मोहम्मदीन होटल से, उनकी नहारी से मुझे, यानी मोहम्मद याह को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।